नमस्कार दर्शक मित्रों, पावन न्यूज में आपको स्वागत है। हूँ छू ब्रह्म मीडिया। दर्शक मित्रों, एक समाचार सामने आया है कि एक पाकिस्तानी छोकरी जे भारत में आई से, नेपाल थी ने भारत में आई से, भारत में आई अने एक सचिन नामना छोकरा साथ मेरेज कर्या छे। अने एनी जाण अत्यार सुधी सरकार ने नथी अने मीडिया ने पण अत्यार सुधी जाण नथी। त्यारे हवे अत्यारे ज्यारे मीडिया ने जाण थई छे त्यारे मीडिया ए एनी जे समाचार छे सोशल मीडिया पर सामने आया है। त्यारे ओएसी जे छे एना विशे शुं कहे छे आवो सांभळी। सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के, जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर। जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा, यहाँ इंडिया में आई है, नोएडा में। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे वो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए सर? उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। तीन बच्चों के सर रॉ एजेंट है? अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी। नहीं मालूम, तीन बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके तीन बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई? अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी वो पहले वाले को? नहीं, अब वो तो शौहर नहीं छोड़े सर। हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये वो ये कौन सा है? दुबई में। हाँ, शौहर पहले का शौहर दुबई में सर। उसको नहीं छोड़े? उसको पता भी नहीं इधर आ गई सर। अच्छा, मालूम भी नहीं? नहीं, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है? कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? अरे तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे ये तो? अब वकील साहब आप बोलो, आप ऐसे जानते हैं, आप काला कोट पहने हुए, मैं तो नहीं पहने, को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, तीन बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर। शादी कर ली? जी सर। कन्वर्शन? तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरत में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी कर दी? क्या बात है। तो जाने दर्शक मित्रों, यूसीसी एजेंट है अने ये भारत में आवी अने एक हिंदू छोकरा साथे मैरेज कर्या छे, तो वैसे कही छे के आ शुं लव जिहाद नथी। ज्यारे भारत नी अंदर कोई मुस्लिम छोकरो हिंदू छोकरी जोड़े लव मैरेज करे छे, लव जिहाद नो जे छे, ત્યારે પાકિસ્તાનથી એક મુસ્લિમ છોકરી ભારતમાં આવી અને ભારતના હિન્દુ છોકરા સાથે લવ મેરેજ કરે છે, ત્યારે શું આ લવ જેહાદ નથી? તો જાણવું રહ્યું એના વિશે, કારણ કે એ હકીકત શું છે એ પોલીસ એના ઉપર તપાસ કરશે, સરકાર એના ઉપર તપાસ કરશે, ત્યારે હકીકત પૂરી સામે આવશે। ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો પવન સાથે અને પવનની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો અને લાઈક કરો। ધન્યવાદ।